स्टूडेंट्स टू IIT सरकारी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं शैक्षिक नवाचार। अब देखिए, ये नवाचार क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो नवाचार है आपका, नवाचार का अर्थ, ये आपका नवाचार दो शब्दों से मिलकर के बना है। ये आपका नया और एक है आपका आचार, ठीक है, सॉरी, ये आपका है नव, ठीक है, नव, जिसका अर्थ होता है नया। और आचार मतलब होता है आचरण में परिवर्तन। ठीक है, तो ये आपका दो भागों से मिलकर, दो शब्दों से मिलकर के बना है, नव और आचार। ठीक है, इसका ये संधि विच्छेद है नवाचार का, नव प्लस आचार। ठीक है, अब देखिए, नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्व स्थित विधियों एवं पदार्थों में नवीनता संचार करे। क्या अर्थ है इस स्टेटमेंट का, क्या अर्थ है इस कथन का? तो देखिए, नवाचार बेसिकली क्या होता है, एक छात्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो किसी भी छात्र के की शिक्षा में अगर कोई क्रांतिकारी परिवर्तन होता है तो उसी को हम बोलते हैं नवाचार। अब जैसे मान लीजिए कि छात्र हमारे पास पढ़ने के लिए आया था, ठीक है, तो वो शैक्षिक दृष्टिकोण से कमजोर था। फिर उसने क्या किया कि उसको हमने कई सारी विधियों के थ्रू हमने पढ़ाया, कई सारी स्ट्रेटजीज को अपनाया, उनमें से एक स्ट्रेटजी काम कर गई और वो छात्र में क्या हो गया कि अचानक बदलाव आ गया और जो छात्र पहले पढ़ने में कमजोर था, एक मीडियोकर स्टूडेंट से भी बिलो स्टैंडर्ड पे वो स्टैंड करता था, अब वो अचानक को बहुत अच्छा हो गया पढ़ने में, अब वो प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में आने लगा है वो। तो इस तरीके से जो शिक्षा में जो परिवर्तन होता है, जो तकनीक, जो विधियां जिनसे हम शिक्षा में हम परिवर्तन लाते हैं, और वो परिवर्तन अगर सकारात्मक होता है तो उसी को हम बोलते हैं नवाचार। ठीक है, तो नवाचार अगर देखा जाए, अगर हम अपने चैनल और अपने स्टैंडर्ड को लेकर के अगर बात करें तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे 2IIT सरकारी चैनल में मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, इंग्लिश के लिए एक सर है। अब मान लीजिए कोई नया टीचर अगर आके हमसे अगर जुड़ता है और उसका पढ़ाने का तरीका छात्रों को बहुत अधिक पसंद आता है, बहुत अधिक लुभाता है, तो इसे भी हम क्या कर सकते हैं कि नवाचार की कैटेगरी में हम इसको भी हम डाल सकते हैं। तो नवाचार बेसिकली यही होता है, नवाचार छात्रों में होने वाला एक क्रांतिकारी परिवर्तन होता है जिससे छात्र क्या करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। अब नवाचार के अंतर्गत क्या हो सकता है, कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे नवाचार में क्या होता है, जैसे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं तो क्या होता है कि स्कूलों में
स्कूलों में विद्यालयों में क्या कराया जाता है कि आज का विचार लिखा जाता है छात्रों छात्रों को जब जब उसका टाइम होता है जब इंटरवल का टाइम होता है जब खाना खाने का टाइम होता है तो जो जब भोजन वेला होती है तो उसमें क्या होता है कुछ कुछ स्कूलों में भोजन मंत्र कराया जाता है तो भोजन मंत्र कराया जाता है तो ये सब जो होता है छात्रों में एक नवीनता का संचार करता है तो इसको हम क्या कह सकते हैं इसको हम नवाचार ही कहते हैं। ठीक है, आप देखिए नवाचार में आपका क्या होता है, देखिए इनोवेट टू इंट्रोड्यूस नोवेल्टीज। ठीक है, दूसरा आपका क्या है टू मेक चेंजेस। इसका क्या मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस नोवेल्टीज। इसका मतलब होता है नवीनता से परिचय। एक नया स्लोगन जिससे छात्रों को परिचय कराया जाए जिससे जो छात्रों के लिए शिक्षा प्रद है वो क्या है एक बेसिकली नवाचार है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि देखिए जो कॉलेज में स्कूल में प्रार्थना होती है भोजन मंत्र होता है और पीटी होती है और आज का सुविचार जब ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम नवाचार ही कहते हैं। आजकल स्कूलों में अगर देखा जाए तो देखिए आप देख रहे हैं कि मेरे पास जो सेटअप है तो आप देख रहे हैं कि आप जिससे पढ़ रहे हैं आपके सामने ये व्हाइट बोर्ड है और हाथ में एक मार्कर है जिससे मैं क्या करता हूं लिखता हूं। कुछ स्कूलों में क्या होता है स्कूलों में ज्यादातर यही होता है कि ब्लैक बोर्ड होता है या ग्रीन बोर्ड होता है और उसमें चौक के द्वारा लिखा जाता है। अब कुछ स्कूलों ने क्या किया कि परिवर्तन किया, ठीक है परिवर्तन किया। कुछ स्कूलों में क्या होता है कि अब व्हाइट बोर्ड में ही मार्कर के थ्रू पढ़ाई होती है तो ये भी क्या है एक नया परिवर्तन है और इससे अगर कुछ नया सीखने को छात्रों को मिलता है तो यह भी आपका एक नवाचार की श्रेणी में डाला जा सकता है इसको। तो देखिए टू इंट्रोड्यूस नोवेलिटीज मतलब नवीनता के साथ परिचय होता है और टू मेक चेंजेस मतलब परिवर्तन। ठीक है, अब देखिए इसकी जो भी परिभाषाएं हैं जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दी है उसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, तब तक इतना पोर्शन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब परिभाषाएं थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देखिए ईएम रोजर्स ने जो परिभाषा दी है उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है नवाचार वह विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति नवीन विचारों के रूप में करे। तो देखिए नवाचार वह है जिसको अपनाने के बाद आपका क्या हो आपका नवीन विचारों के साथ परिचय हो तो ये आपका क्या होगा नवाचार के अंतर्गत होगा। ठीक है, दूसरी परिभाषा है एचजी वार्नेट के अनुसार नवाचार एक विचार है व्यवहार है अथवा पदार्थ है जो नवीन और वर्तमान स्वरूप से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। ध्यान दीजिए गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है मतलब नवाचार को अपनाने के बाद आप जिस स्टैंड पर खड़े थे आप एटलीस्ट आप उससे एक लेवल जरूर ऊपर उठेंगे मतलब आपके जो नवाचार के अंतर्गत आपने नवाचार अगर आप स्वीकार करते हैं तो फिर क्या होगा जहां पर आप पहले से थे आप उससे एक लेवल ऊपर बढ़ेंगे यानी कि आपकी प्रगति में भी वृद्धि हो सकती है और देखा जाए तो आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि हो सकती है मतलब आपको आपके व्यवहार में आपके तौर तरीकों में कहीं ना कहीं से सकारात्मक परिवर्तन जरूर दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
एमबी माइलेकस के अनुसार इन्होंने परिभाषा दी है, नवाचार एक ऐसा नवीन और विशेष परिवर्तन है जो समझबूझकर किया जाता है। ये नवाचार क्या किया जाता है? जानबूझकर किया जाने वाला परिवर्तन है। उद्देश्य प्राप्ति की दृष्टि से यह परिवर्तन और विधियों की अपेक्षा अधिक प्रभावकारी होता है। उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ये जो परिवर्तन होता है और विधियों की अपेक्षा, और मतलब पुराने तौर तरीकों की अपेक्षा, ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप ये सब नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब नवाचार की विशेषताएं देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, नवाचार का संबंध नवीन तकनीक एवं नवीन ज्ञान से होता है, जिसका प्रयोग शिक्षक द्वारा शिक्षण प्रक्रिया में किया जाता है। तो ये तो सत्य है, इसमें कोई दूसरे इफ या बट तो है नहीं, कि जो आपका नवाचार होता है उसमें नई टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है। भाई अब पुराने ढर्रे पे नहीं चलते हैं, भाई आज का जैसे युग है तो पहले क्या करते थे लोग कि ब्लैक बोर्ड में पढ़ाते थे, फिर ब्लैक बोर्ड से ग्रीन बोर्ड आ गया था, ग्रीन बोर्ड आ गया था और ग्रीन बोर्ड के बाद व्हाइट बोर्ड, और व्हाइट बोर्ड के बाद अब आ चुका है स्मार्ट बोर्ड। तो ये तो क्या है कि तकनीकी में क्या हो रहा है, धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा है, जो टेक्निक्स है धीरे धीरे अपग्रेड हो रही है। तो ये आपका नवाचार के अंतर्गत है। ठीक है, और शैक्षिक नवाचारों में क्रियाशीलता एवं प्रायोगिकता की प्रवृत्ति विद्यमान होती है। तो क्रियाशीलता और प्रायोगिकता की प्रवृत्ति उसमें विद्यमान होती है। ठीक है, शैक्षिक नवाचार का संबंध प्रमुख रूप से शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी एवं रुचि पूर्ण बनाने से होता है। ठीक है, शैक्षिक नवाचार का जो संबंध है मुख्य रूप से जो शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है उसको ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव बनाने की कोशिश की जाती है। नवाचार के द्वारा वर्तमान परिस्थितियों में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। तो नवाचार की प्रक्रिया से जो व्यक्ति का, छात्र का जो वर्तमान है उसे चेंज किया जाता है। ठीक है, उसे चेंज किया जाता है किसमें? सकारात्मक परिवर्तन के द्वारा उसे चेंज किया जाता है। ठीक है, तो शैक्षिक नवाचार के द्वारा नवीन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें नवीन तकनीकों का प्रयोग भी किया जाता है। तो आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नवाचार का महत्व, देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, देश में ही हो रहे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनों के कारण शिक्षा के क्षेत्र में अनेक तरीके के परिवर्तन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जिसमें आपका ये करिकुलम, सिलेबस और ये सारी चीजें जो हैं, ये जो चेंज हो रही, ये बेसिकली क्या है? नवाचार ही है। ठीक है, और इनको डिजाइन करना भी ये नवाचार के ही अंतर्गत आता है। दूसरा पॉइंट है, विद्यालयों में लर्निंग कॉर्नर, दीवार, समाचार पुस्तकालय, बाल अखबार आदि के लिए नवाचार आवश्यक है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, इसके लिए नवाचार आवश्यक है। तीसरा पॉइंट है हमारा, पूर्व स्थापित विधियों, कार्यक्रमों एवं परंपराओं में नवीनता लाने के लिए भी नवाचार की आवश्यकता होती है। मतलब विद्यालय में जो भी कल्चरल फेस्टिवल जो और कार्यक्रम और साइंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी कार्यक्रम होते हैं उनके लिए नवाचार होना जरूरी है। ठीक है, नवाचार के द्वारा छात्र और शिक्षक के मध्य की दूरी दूर की जा सकती। बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि देखिए नवाचार के द्वारा क्या होता है, छात्र में एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है, और जो नवाचार छात्र को प्रदान कौन कर रहा है? शिक्षक प्रदान कर रहा है छात्र को। तो फिर क्या होगा, छात्र और शिक्षक फिर क्या हो जाएंगे? नजदीक आ जाएंगे। मतलब छात्र को शिक्षक के साथ क्या हो जाएगा? लगाव हो जाएगा, और उससे सीखने में भी छात्र को अच्छा लगेगा। ठीक है, और पांचवा पॉइंट है, प्रार्थना स्थल पर छात्रों द्वारा सद्विचार, प्रेरक प्रसंग, मुख्य समाचार वाचन के लिए भी नवाचार की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो प्रार्थना स्थल पर छात्रों द्वारा सद्विचार, प्रेरक प्रसंग, मुख्य समाचार बोलने से भी क्या होता है, जो आपका नवाचार है वो आपका बढ़ता है। ठीक है, उसका प्रभुत्व बढ़ता है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अभी इसका एक पॉइंट और बाकी है, तो उसको भी देख लेते हैं हम। तो देखिए, नवाचार के महत्व का आखिरी पॉइंट है, शिक्षक डायरी में भी नवाचार का ही प्रयोग कर
शिक्षक डायरी में भी नवाचार का ही प्रयोग है, जिसमें संकेत लिखकर छात्रों का अधिगम का मूल्यांकन करा जाता है। ठीक है, अब देखिए नवाचार के जो क्षेत्र हैं वो कहाँ कहाँ पर नवाचार का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो देखिए शैक्षिक नवाचार का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, मतलब व्यापक होने से मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र है नवाचार का। तो गणित, भाषा, पर्यावरण विज्ञान, सामाजिक अध्ययन आदि गतिविधियों के आदि आदि का जो ज्ञान होता है छात्रों को, वो गतिविधियों के द्वारा आसानी से प्रदान किया जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि भाई पानीपत का युद्ध अगर हम पढ़ा रहे हैं छात्रों को, तो अगर हम गतिविधियों के माध्यम से बताएंगे, मतलब अगर थोड़ा सा एक्टिंग करके अगर हम बताएंगे तो छात्रों को ज्यादा उससे अच्छे से समझ में आएगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम एक्टिंग से पढ़ाएंगे या हम क्या करेंगे कि मतलब एक स्पीच के माध्यम से पढ़ाएंगे, तो छात्रों को क्या लगेगा कि एक थोड़ा सा एक नयापन सा फील करेंगे। जैसे क्या होता है कि थ्योरी के सब्जेक्ट जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो वो टू द पॉइंट जो किताब में लिखा होता है और वही बोलते रहते हैं, वही लिखाते भी रहते हैं, तो उसमें क्या होता है एक नएपन की फीलिंग नहीं आती, एक नया इनोवेटिव आइडिया उनको उनसे नहीं देखने को मिलता है। लेकिन जो टीचर स्पीच के माध्यम से पढ़ाते हैं, तो वो जो स्पीच में जो वर्ड्स यूज करते हैं, जो उनकी आवाज होती है, वो ज्यादा बच्चों के सीखने के लिए इफेक्टिव होती है। तो अंतर्गत आता है बालक के भविष्य में आने वाली समस्याओं आदि का निर्धारण ध्यान में रखकर शैक्षिक नवाचार के क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है, जो निम्न है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब जो नवाचार के जो क्षेत्र हैं उनको हम आगे डिटेल में देखते हैं। तो देखिये इन पॉइंट्स को देख लेते हैं। शिक्षण अधिगम के सुधार हेतु स्थानीय समुदाय परिवेश के संसाधनों की पहचान एवं उपयोग कर हम क्या करते हैं, उसका मूल्यांकन। दूसरा, प्रार्थना स्थल की गतिविधि, पाठ्य सहगामी गतिविधि, सामुदायिक सहभागिता, विद्यालय प्रबंधन, विषयगत प्रबंधन, लैब एरिया। तो ये इतने सारे क्या हैं, ये नवाचार के क्षेत्र हैं, जो कि मतलब आपको पॉइंट वाइज आपको ये लिख लेना है। ठीक है, तो देखिए आज की जो हमारी क्लास थी, आज आप लोग का सब्जेक्ट शैक्षिक मूल्यांकन नवाचार क्रियात्मक शोध, ये आपका विषय आपका खत्म हो चुका है। अब हम लोग जो आपका नेक्स्ट पेपर है, जो आपका सेकेंड पेपर होता है समावेशी शिक्षा, उसका हम लोग अध्ययन डिटेल में करेंगे। और आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड This is the end of class. Thank you.